अभी हम देखेंगे कि 1 मीटर में कितने इंच होते हैं। तो ये बिल्कुल आप आसान जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर बराबर आप जानते हैं कितना रहता है, 1/2.54 इंच रहता है। यानी यह जो सेंटीमीटर शब्द है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ये आपका इंच वैल्यू लिख देंगे। 1 × 100 कितना आ गया, 100 बटे कितना है, 2.54, ये इंच है तो इंच। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, भाग दे देता हूँ, 100 भाग 2.54, तो मेरे पास कितना आ जाता है, ये आ जाता है 39.370। और 0.7 आ रहा है ठीक कैलकुलेटर में, तो आगे क्या है, ग्रेटर देन 5 है। तो जहाँ पे हम छोड़ रहे हैं, यदि यहाँ छोड़ते हैं तो ये 0 रहेगा, लेकिन अगला अंक 1 लेकर छोड़ेंगे तो ग्रेटर देन 5 होता है, तो यहाँ +1 हो जाता है। ठीक है, ये आप ये आ गया इंचेज वैल्यू। ठीक है, और इसको आप अप्रोक्सीमेट लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं, इतना ही लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद हमें 3 अंकों तक लेते हैं, तो आगे 0 के बाद 1 है, तो 0 में कोई बदलाव नहीं हुआ है, 0 का अक्षर लिखते नहीं, तो हमने क्या लिखा, केवल 37 ही लिखा है। ओके, समझ गए, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। अब जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपके लिए और आसान हो जाएगा।